एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई एडवाइस किया गया है? गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लोग बना रहे हैं एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम लोग ड्रम स्टिक की सब्जी बना रहे हैं पहली बार। मतलब मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी बनाती हैं बट मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और उसने मुझे बोला छीला वीला सब उसी ने, बाकी उसने मुझे बोला आलू की सब्जी बना दो जो रस्से वाली बनाती हो। तो मैंने बस जैसी मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ बॉयल करके वैसी पूरी सब्जी बना ली, उसमें आलू डाल दिए, लास्ट में आपको ड्रम स्टिक ऐड कर देना होता है। बस ड्रम स्टिक की सब्जी बन गई। डेफिनेटली वो टेस्ट नहीं आया, तो वैसा टेस्ट तो नहीं आया जैसा मेरी मदर इन लॉ बनाती है। फिर आज हम लोगों ने अर्बन कंपनी वालों को भी बुला के रखा था, एसी सर्विसिंग करानी थी और हॉल में भी हम लोग एसी लगवाने का सोच रहे हैं, तो वही जगह डिस्कस हो रही है और मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ बैल्कनी ख़राब मत करना मेरी कहीं और जगह लगाएंगे। एंड ये है सब्ज़ी जो बन गई है ड्रम स्टिक की। ठीक ठाक थी, मतलब खाने लायक थी, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार बनी थी, बट वो मेरी मदर इन लॉ का जो स्पेशल टेस्ट होता है ना वो नहीं आया। दिस इज़ माई बेडशीट वाला एरिया जहाँ पर मैं बेडशीट स्टोर करती हूँ। अभी तो ये बिल्कुल मेस्ड अप है, मैं इसको जमा भी नहीं रही हूँ, मैं लास्ट में ही अच्छे से करूँगी। तो ये वाली जो बेडशीट्स है ना ये थोड़ी अच्छी वाली बेडशीट्स हैं, इसमें कम से कम 4 से 5 रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक मैंने इनको यूज़ ये वाला यूज़ कर चुकी हूँ हालांकि, बट फिर भी अभी मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अभी पुरानी बेडशीट जो ये सब वाली हैं वही यूज़ कर रही हूँ। चेंज करते हैं, ये कर्टन्स भी सब वॉश हो गए तो कर्टन्स भी लगाना है। आज हम लोगों ने एसी की भी सर्विसिंग कराई है क्योंकि जब से आए थे तब से सर्विसिंग हुई नहीं थी, हालांकि इतना चलाया भी नहीं, हम इतना चला भी नहीं रहे हैं, अभी बस चलाना स्टार्ट किया, बट स्टिल डस्ट तो वो अंदर आ ही जाती है, कलेक्ट हो जाती है। एंड ऑल्सो हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तब हम लोगों, क्योंकि मैं इतने सारे प्लांट्स लगा देती हूँ अपने पूरे घर में कि कहते हैं ना प्लांट्स की वजह से भी बहुत सारी ह्यूमिडिटी आपकी कम होती है, गर्मी कम होती है। तो लास्ट ईयर तक हमने सोचा था कि जब ठंड का टाइम आएगा ना तब, अभी क्या होता है एकदम पीक पे एसी मुंबई में तो मतलब बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है एसी लेना, तो यहाँ पर प्राइजेस वगैरह काफ़ी हाई भी हो जाते हैं, डिस्काउंट भी नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब नवंबर दिसंबर पर दिवाली वाली का टाइम आएगा तब हम लोग एसी ले लेंगे, बट फिर चीज़ें अलग हो गई, हम लोग भोपाल निकल गए एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं एसी लगवाने का। तो देखते हैं, अभी अक्षय तृतीया आने वाला है तो उस दिन तब तक मैं यहीं पर हूँ, तो अक्षय तृतीया वाले दिन हम लोग सोच रहे हैं कुछ सेल वेल अगर होगी विजय सेल्स या क्रोमा वगैरह पे तो हम लोग हॉल के लिए एसी ले लेंगे एंड लगवा लगू लेंगे, क्योंकि फिर वो ना कितना ही रुकेंगे, वो तो प्राइस कितना 2-3 हज़ार से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलने नहीं वाला है और फिर वो बढ़ता ही जाएगा। तो अभी बेडशीट चेंज करती हूँ मैं। छोड़ने जाते हैं, एक तो विक्की को छोड़ने में मेरे को ऐसा कंडाल आता है जबकि मैं कार से जाती हूँ छोड़ने, बट स्टिल विक्की बोलता है मेरी फ्रेंड जो रहती है ना उसके यहाँ मुझे जाना रहता है तो मैं एक टांग पे जाती हूँ उछलती हुई और नाचती हुई, तो मेरे को पिछली बार यही बोलता है, कहता है क्यों उससे मिलने जाती हूँ तब तो ये आती हूँ और ऑफिस छोड़ने जाने के लिए, जबकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस पे, बट स्टिल। चलो भाई ये हमारे स्कूल चले, हम रेडी हो गए।
और विक्की को ड्रॉप करके आने के बाद मेरी फ्रेंड्स का वीडियो कॉल आ गया था, तो हम लोग ग्रुप वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो जब ग्रुप वीडियो कॉल आता है तो हम सब काम छोड़ करके मैं बातें करती हूँ उन लोगों के साथ। तो ये दीक्षा एंड करिश्मा है, तो हम लोग बहुत नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं करते, मंथ या टू मंथ में एक आध बार खबर लेने के लिए वैसा। फटाफट से शॉवर लेने के लिए जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गई आज, मैं बहुत सारी बातें कर रही थी अपने फ्रेंड्स लोगों से। सो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ शैम्पू करूँगी, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ का कर्ड स्मूदिंग कंडीशनर एंड साथ ही साथ कर्ड स्मूदिंग शैम्पू, जिसके अंदर कर्ड एंड साथ ही साथ कैरेटिन है। तो अभी मेरे बालों की आप कंडीशन देख लो, आपको देख रहा हल्के से ऐसे फ्रीजी फ्रीजी होने लग गए मेरे बाल। वॉश करती हूँ और फिर आपको रिजल्ट्स इसके दिखाती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रिज एंड ड्राइनेस के लिए हम लोगों का जो सबसे पुराना मेथड है वो है दही लगाने का। तो अगर जैसे आप ऑब्वियसली आप हर बार दही नहीं लगा सकते अपने बालों में, पूरा एक मेस्ड अप प्रोसेस होता है, तो आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट का जो की इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड एंड साथ ही साथ हाइड्रोलाइज्ड कैरेटिन। तो कर्ड आपको पता ही होगा नेचुरल कंडीशनर होता है, इट हेल्प्स कॉम्बैट फ्रिज एंड साथ ही साथ आपके बालों को स्मूद एंड शाइनी बनाता है। और जो हाइड्रोलाइज्ड कैरेटिन है ये इंप्रूव करेगा आपके बालों का मॉइस्चर इफेक्ट एंड साथ ही साथ आपके बालों को स्मूदन आउट करेगा। तो ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, जिसका मतलब होता है इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो ये शैम्पू बेसिकली करता क्या है, आपके बालों को 100% स्मूदर एंड शाइनियर बनाता है। कर्ड एंड कैरेटिन है जो कि आपके बालों को स्मूथ करता है, जेंटली क्लेंस करेगा आपके बालों को। और अभी मैंने बताया जैसे कि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, ये जो शैम्पू है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है और बहुत जेंटली क्लेंस करता है आपके बालों को। मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगा, काफ़ी माइल्ड सा है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है नोज़ को। तो शैम्पू लगाने के बाद बारी आती है कंडीशनर लगाने की। यहाँ पर मैं अगेन कर्ड स्मूदिंग कंडीशनर यूज़ करती हूँ। तो जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं आपको नीचे के स्ट्रैंड्स पे कंडीशनर लगाना है। इसके बाद का रिजल्ट मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें भी कर्ड एंड कैरेटिन मिला हुआ है, ये आपके बालों को स्मूदर एंड शाइनियर बनाता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट्स की लिंक दे दूंगी, चेक करना मत भूलिएगा, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर। तो वॉश कर लिया है बालों को, एयर ड्राई करती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये है मेरा लंच। ओके, तो मैंने अपने बालों को एयर ड्राई कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से एंड दिस इज द रिजल्ट। जो मेरे बालों में ऐसे फ्रिज हो रखा था ना, वो मेरे फ्रिज ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं एंड माय हेयर आर लुकिंग वेरी स्मूथ। तो ये जो प्रोडक्ट्स है मामाअर्थ के, आपको पता ही होगा कि अवेलेबल है नायका, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मामाअर्थ की ऐप एंड वेबसाइट पर। बट नाउ ये अब आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। तो जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी स्टोर चेकआउट करें आपके नियर बाय, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना, तो मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है, एक आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर किचन में, तब तक बर्तन वगैरह जमा देती हूँ मैं। ये रहे वो रख के जाती हैं, सूख भी जाते हैं इतनी देर में, तो मैं फटाक से इनको जमाती हूँ। ये जो कल क्रॉकरी में खाया था इन सबको भी रखना है। गाइस, तो अभी हो चुकी है शाम और शाम का रिचुअल जो मेरा होता है भगवान के पास का, वो मैं करती हूँ फटाक से। फिर मैं अभी डिनर भी कर लूँगी, 7 o'clock हो गया है, 7:30 तक मेरा डिनर विनर हो जाता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेश्चंस इन द सेंस मीन्स डीएम भी आते थे और कमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो तो ऑब्वियसली आते ही हैं। तो कुछ लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि मैंने ये जो पहना हुआ है ये क्या पहना है, क्यों पहना है, क्या मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई एडवाइस किया गया है क्या, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। सो मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस नहीं ली है, किसी एस्ट्रोलॉजी को नहीं दिखाया है। आई थिंक मैंने बताया है कि नहीं बताया है, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया है
एंड उसके साथ साथ मैंने जेमोलॉजी एंड क्रिस्टल्स के ऊपर भी पूरा एक जो कोर्स होता है प्रॉपर वो किया हुआ है। हाँ, मुझे ये समझ में आने लगा क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी भी कर चुकी हूँ और एस्ट्रोलॉजी भी कर ली है, तो अब मुझे ये पता है कि किसको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के जो क्रिस्टल्स एंड जेम्स हैं वो अलग सजेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो क्रिस्टल्स एंड जेम्स हैं वो अलग सजेस्ट होते हैं, तो अब मैं क्लब करके कि एक्चुअली में किसको क्या सूट होता है वो सजेस्ट कर सकती हूँ, राइट। एंड क्योंकि मैंने क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स में काफ़ी इनडेप्थ कोर्स किया है, ये इंडिया में बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, मतलब काफ़ी कम कोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा कोर्स था मेरा। एंड मुझे ये सब बताया गया था कि आपको इवन जो ये क्रिस्टल्स पहनते हो ना, इनके क्रिस्टल्स या आप जेमस्टोन्स पहनते हो उनके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन से पहनोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली रिजल्ट तो आएगा, बट जब आप पहनोगे तब आपको रिजल्ट आएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बता देती हूँ, तो जी नहीं, ये मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया है, ये मैंने खुद से जो मैंने स्टडी करी है। ऑब्वियसली आप सबसे पहले किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, मैं आज जो भी आपको बता रही हूँ होम क्लेंजिंग के बारे में या मैं किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी, पहले वो मैं खुद जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगी कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तब तक मैं सामने वाले को कैसे बता पाऊंगी, उस कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाऊंगी। तो मैं आई थिंक मुझे ये हो गया टाइम, मैंने जब ये कोर्स किया था ना उसके तुरंत बाद ही मैंने ये बनवा लिया था इसको। तो आपने देखा होगा मैं बहुत ऐसे नहीं पहनती कि 24 घंटे इसको पहनी रहती हूँ, ये ऑन एंड ऑफ पहनती हूँ। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि जो क्रिस्टल्स हैं जेमस्टोन्स हैं इनके रूल्स होते हैं, बहुत तगड़े रूल्स होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स इस तरीके से होते हैं कि पानी में भी हाथ डालोगे ना तो उनकी एनर्जीज चली जाती है, धूप में लेके जाओगे तो उनकी एनर्जीज चली जाती है, तो आपको उनको रिचार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो आप पहन रहे हो उसको पता होना चाहिए। आप कुछ क्रिस्टल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जेमस्टोन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यू कैन नॉट स्लीप विद दोज क्रिस्टल्स, आपको वो उल्टे इफेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि इन क्रिस्टल्स में इतनी पावर होती है। कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, एनर्जीज उनमें इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो आपको सोने ही नहीं देंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली कि अगर आप कोई क्रिस्टल पहन रहे हो तो उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, या उसके नियम क्या है, उसके कायदे क्या है, उसको कब उतार के रखना है, कब चार्ज करना है, किस चीज से, किस धातु से उसको बचाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब वो क्रिस्टल आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। अदरवाइज मैं देखती हूँ आजकल फैशन के तौर पे बहुत सारे लोग वो क्रिस्टल की वो पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, आदों को पता ही नहीं है, पहने रहते हैं 24 घंटे, वो इफेक्ट ही नहीं करेगा। हो सकता है वो सिर्फ 7-8 डेज के लिए इफेक्ट करेगा, उनमें से एक आधा क्रिस्टल 110% ऐसा होगा ही होगा कि वो शायद पानी से या धूप से रिएक्ट कर जाएगा। रूल्स भी होते हैं कि आपको उन पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे उनको निकालना चाहिए। 3 महीने हो गए करे हुए ऑलरेडी कि मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगी, बट बीच में वो सब हॉचपॉच हो गया, तो अब नाउ आई एम गेटिंग बैक इनटू द मोड, तो अब मैं धीरे धीरे आपको बताना स्टार्ट कर दूंगी वो सारी चीज़ें। ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो फेमस क्रिस्टल, तो सभी लोग रख लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको सूट हो रहा है तो आपको सूट होगा कि नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकली भी आप चेक करना पड़ता है कि वो आपको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समटाइम्स इट हैपन कि हो सकता है वो 99% लोगों को सूट हो रहा होगा, 1% एस्ट्रोलॉजिकली कुछ डिफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, वो आपको नहीं सूट करेगा, नहीं ऑथेंटिक सोर्स से। दूसरी चीज़ अब क्या है कि आप, मैंने ये कहाँ से लिया है ऑनलाइन, मुझे नहीं पता ऑथेंटिक होता है कि नहीं होता, मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकती, बट आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्स से ही लेना चाहिए कायदे से। कौन सा क्रिस्टल किस धातु में पहनना है, आपको सोने पे पहनना है या चांदी पे पहनना है। अब ऑनलाइन जो मिलते हैं ना वो अष्टधातु पे, तो कभी मतलब शॉप से मैं लेती हूँ ना, उन भैया ने भी मुझे क्या था कि सोने का तो बजट बहुत हाई हो जाता है, अब मुझे चाहिए था कि ये गोल्डन कलर का होना चाहिए, तो मेरे को, मैंने उन शॉप वाले भैया, वो ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, उनकी 30-35 ईयर्स ओल्ड शॉप है भोपाल में, तो उनसे ही मैं क्रिस्टल्स लेती हूँ, उन्हीं से सारी चीज़ें, और अब जो इतना सेल कर रहा है उसको नॉलेज भी बहुत होता है। तो मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि मुझे अष्ट धातु जो गोल्डन कलर का दिखता है मुझे गोल्ड में नहीं बनवाना, क्योंकि गोल्ड में तो फिर वही हो गया, आपका प्राइस बढ़ गया। तो मैंने बोला कि आप मुझे ऐसा कुछ बताओ जो गोल्डन अष्ट धातु, तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया था कि किसी को भी, दुश्मन को भी अष्ट धातु में कभी भी किसी भी क्रिस्टल या जेम स्टोन रेकमेंड मत करना। देन आई क्रॉस चेक इट विथ माई मेंटर, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी मुझे बताया कि येस दिस इज ट्रू अष्ट धातु में, एंड मोस्टली जो ऑनलाइन शॉप से दे आर सेलिंग जो ये क्रिस्टल्स हैं ये अष्ट धातु में रिंग बना के या पेंडेंट बना के देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आपको इन सब चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब आप इनको पहनो तो ये इफेक्ट भी करेगा, अदरवाइज इट माइट पॉसिबल कि आपको नेगेटिव इफेक्ट कर जाए। होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, डिनर करती हूँ मैं, 7:15 हो गया है, 7:30 से पहले डिनर कर लेती हूँ मैं, उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी, या तो मैं एडिटिंग करूँगी, एंड अदरवाइज क्योंकि आज विकी तो लेट आएगा, वो अपना लंच भी लेके गया है, अपना डिनर भी लेकर के गया है, तो लेट्स सी, टीवी भी देखूंगी या एडिटिंग करूंगी। यहाँ पर ना इस बार अभी मैं मुंबई में आ रही हूँ तो पता नहीं, पहले तो मुझे कभी ऐसे अकेले बोर नहीं लगता था, तो ये भी पता होता है ना कि अभी ज़्यादा फैलारा नहीं मचाना है या कुछ
DIY, नहीं तो मैं पहले कैसे कुछ ना कुछ काम में इंगेज रहती थी, मतलब नहीं कर रहे हैं तो DIY कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. और फिर डांस क्लासेस मेरी मेन थी, तो मैं सोची हूँ कि जब भी मैं इधर आ जाऊँगी ना तो आई विल स्टार्ट माई डांस क्लासेस अगेन. एक्चुअली मेरी जो पुरानी सोसाइटी थी ना, वहाँ पर लड़कियाँ बहुत थी. यहाँ पर मैं देखती हूँ जैसे हम नीचे घूमने के लिए जाते ना, तो मुझे लड़के बहुत दिखते हैं, इतने लड़के दिखते हैं. उन मतलब रेशो इज लाइक, अगर 20 लड़के खेल रहे होंगे ना तो उसमें एक आधा आपको एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिख जाएगी. ग्रुप में मुझे लड़कियाँ कभी दिखी ही नहीं है यहाँ पे, बहुत कम बहुत कम. और ये हाल हमारा वहाँ था, वहाँ लड़के नहीं दिखते थे, वहाँ लड़कियाँ बहुत थी. तो इसलिए लड़कियाँ जहाँ बहुत होती है आपके डांस क्लास वगैरह में, और मेरी क्लास में जो लड़कियाँ भी आती थी वो सब इतनी मस्त थी, छोटी बच्ची या बड़े बच्चे भी सभी बहुत मस्त थे. तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर भी कि आ जाऊँगी तब मैं डेफिनेटली डांस क्लास स्टार्ट करूँगी. नॉट फॉर मनी, मैं वैसे भी जो अपनी पुरानी डांस क्लास थी ना उसके चार्जेस मेरी बहुत इकोनॉमिकल और बहुत नॉमिनल थे मुंबई के हिसाब से. तो देखते हैं कब होता है वो, होपफुली जल्दी हो. एंड मैं खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए सुबह, तो बस अभी विक्की जिम वगैरह गया है, बाकी सब जो फ्रूट्स वगैरह होता है, नारियल पानी होता है, वो सब हो गया है प्रोग्राम. एंड अभी मैं कुकिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अब जो मेरी हेल्प आ रही है ना उनको मैंने सिर्फ रोटी के लिए रख दिया है, बिकॉज वो बहुत लेट भी आ रही है, जो टाइम बोला उस पर नहीं आ रही, तो उतनी देर में तो मेरी चॉपिंग वॉपिंग दाल रख देना ये सब मेरा हो ही जाता है. और दाल वाल भी बनाने के लिए ना हम लोग जैसे कैसे स्लो कुक प्रोसेस करते हैं, मैं पहले दाल को पानी में गला के रखती हूँ, फिर उसके बाद जो उसका ऊपर पूरा आ जाता है ना, मैं दिखाती हूँ, यूरिक एसिड होता है, तो वो आप ये प्रोसेस करने से आपका जो दाल का यूरिक एसिड है और जो गैस बनाता है जिसकी वजह से, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट निल हो जाएगा. तो हम लोग तो डेली बेसिस पे दाल खाते हैं, मतलब दाल के बिना मेरा गुजारा नहीं हो पाता है. आई नीड दाल, एक आध दिन स्किप हो जाए बट डेली बेसिस पे मुझे चाहिए रहती है. ये ना इस तरीके से अभी पूरा झाग फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो जो झाग आएगा उसको मैं पूरा निकाल के फिर से इसमें फ्रेश वाटर डालूंगी एंड फिर मैं इसको कुक करूंगी. ये पूरा बाहर है ना, अब मैं इसको पूरे को निकाल दूंगी. सब्जी बन रही है आयरन की पैन में, और यहाँ पर अभी मैं दाल बगारूंगी. तो सब कुछ रेडी है, किचन भी क्लीन हो गया है, विक्की की थाली में मैंने सैलेड भी काट दिया क्योंकि वो खुद से नहीं काटता है जब खुद खाता है. तो चावल हो गए, सब्जी दाल रोटी सब है. अब मैं जाती हूँ शार लेने के लिए, कितना बज गया, 10 बजने वाले, तो मैं शार लेकर के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं. मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में जल्दी ही, और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, बिकॉज काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे मुंबई वाले व्लॉग कब आएंगे, मुंबई वाले व्लॉग कब आएंगे. तो फाइनली मुंबई आकर के मैं बस व्लॉगिंग कर ही रही हूँ इस बार. तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.